नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं समोसा बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपको भी ये रेसिपी बनानी है तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। तो क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसमें फिल करने के लिए आलू का मसाला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या सामग्री चाहिए मसाला बनाने के लिए हम वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ आलू है, यहाँ पे दो बड़े आलू थे जिसको मैंने अच्छे से धो करके वॉश करके और फिर छील करके और फिर बाद में इनको बॉइल कर लिया है। तो यहाँ पे आलू पके हुए हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, काली मिर्च और लौंग का कूटा हुआ मिश्रण, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, एक कटोरी मटर, हींग पाउडर, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सादा नमक और लहसुन। अगर आप चाहते हैं तो लहसुन प्याज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं और वैसे ये समोसे के अंदर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हमें चाहिए मूंगफली का तेल। तो ये तो है मसाला बनाने के लिए सामग्री। अब हमें समोसे बनाने के लिए जो मैदा चाहिए होगी वो क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए मैदा, देसी घी जो बिल्कुल पिघला हुआ होना चाहिए, मोन के लिए चाहिए होगा। ये मोन डालने पर क्रिस्पी समोसे बनते हैं। अजवाइन थोड़ा सा और सादा नमक और पानी, जो पानी हम यहाँ पे ठंडा ही लेंगे लेकिन हमें घी अच्छे से मेल्ट करके उसमें मिक्स करना है ताकि समोसा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम तेल को गर्म करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच ऑयल रखा है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। सबसे पहले अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 बारीक कटा हुआ लहसुन और 1/2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहां पर हम इन्हें थोड़ा सा हल्का ब्राउन करेंगे। पर लौंग और काली मिर्च को जो कूटा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जो ग्रीन मटर है, हरे मटर ताजा, उसको डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इनको मिक्स करके और फिर ढक देंगे। अब हम इसमें आलू जो उबले हुए हैं उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा तीखा नहीं बनाएंगे इसीलिए सिर्फ 3 स्पून ही डालेंगे, छोटी वाली, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च भी है और काली मिर्च भी है तो बच्चों को ज्यादा तीखा ना लगे इसीलिए लाल मिर्च का प्रयोग कम करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले और अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम मैदा का आटा लगा लेंगे।
ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हम मैदा का मिश्रण लेंगे, आटा लगाएंगे, सबसे पहले डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और यहाँ पर स्वाद के अनुसार मतलब हल्का सा नमक ऐड करेंगे और इसमें हमें डालना है घी का मोड़। तो यहाँ पर मोड़ अच्छा डालना है हमें ताकि बिल्कुल क्रिस्पी बने। यहाँ पे हम डालेंगे कम से कम 4 चम्मच घी के। ये गाय का घी है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ठंडे पानी से इसका आटा गूंथ लेंगे। आटा जो है वो बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना है, वो टाइट भी नहीं रगाना है, मतलब अच्छा सा होना चाहिए। और उसे 5-7 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालना है हमें और फिर इसका आटा तैयार कर लेना है। अब ये आटा कुछ इस तरह लग गया है, इस पर हम हल्का सा घी लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से इसको एक बार ऐसे करेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट तक आटे को हम ऐसे छोड़ेंगे और तब तक मसाला भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। तो सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है और फिर उसे थोड़ा सा मीडियम आंच पे कर देना है। मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है और अब यहाँ पे मैदे का जो आटा लगाया था वो भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। यहाँ पर हम इसे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोई तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हो गया है, फूल गया है पूरा मैदा। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल गीला भी नहीं होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इनको अच्छे से बेल लेंगे। पतली सी रोटी बना लिए और अब हम इसे इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे, यानी एक रोटी के 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसको उठाना है और इसकी बनाने की स्टाइल बहुत ही सिंपल सी है। इसको खाली दोनों कोनों को ऐसे पकड़ना है, अंदर अपनी फिंगर को इस तरह से रखना है और फिर इसे इस तरह से प्रेस कर देना है, इस तरह से। यहाँ पे हम बिना पानी के भी इसको चिपका सकते हैं, ये नहीं खुलेंगे। और फिर इसमें हम मसाला भर देंगे। इस तरह से, और फिर यहां से ऊपर से भी इस तरह से उंगली को ऐसे करेंगे और ये इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आप चाहते तो पानी की सहायता से भी चिपका सकते हैं। गरम हो गया है और आंच को हम कम कर देंगे और फिर हम देखेंगे तेल गरम हुआ है यानी हो गया है। और यहाँ पर हम हल्के आंच से एक एक करके समोसा डालेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, यानी कि हल्का हल्का ब्राउन होने देना है।
देखिए समोसे बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर किसी का भी मुंह इस तरह से ओपन नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, देखिए गर्म है बहुत, ये देखिए आवाज आई और इतना टेस्टी है। आप इसे एक बार जरूर बना के देखिए इस तरह से समोसे और ये बहुत। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल तैयार हो गए, इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।